हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि क्या आप लोग को एक्सिस बैंक का इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्सिस बैंक कैसा बैंक है और क्या आप लोगों का पैसा एक्सिस बैंक में सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि एक्सिस बैंक इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो ये बैंक DICGC से इंश्योर होता है। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी वाली है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अब हम चलते हैं एक्सिस बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो दोस्तों एक्सिस बैंक का आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर एक्सिस बैंक आप लोगों को 3% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स में 50 लाख रुपए से कम का अमाउंट रखते हो तो, इसके अलावा अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट होता है तब ऐसे केसेस में आप लोगों को 3.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सिस बैंक ऑफर करता है। अब दोस्तों चलते हैं इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपका एज 18+ होना चाहिए, और आपके पास में एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड से बेसिकली मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों आप एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू, इसके अलावा एक्सिस बैंक के वेबसाइट पर जाकर के इस सेविंग्स अकाउंट को बहुत ही आसानी तरीके से ओपन कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर एक्सिस बैंक आप लोगों को अनलिमिटेड चेकबुक ऑफर करता है। यहाँ पर आप लोगों को चेकबुक पर कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। इसके अलावा इस अकाउंट्स पर NEFT, RTGS, IMPS बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री होता है, डेबिट कार्ड पर भी आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। दोस्तों अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस की तो मिनिमम बैलेंस कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। दोस्तों यहां पर आप लोगों को 1 रुपीस रखने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरह से डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है दोस्तों, इंस्टेंट 10 मिनट के अंदर अंदर ओपन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक्सिस बैंक जो भी डेबिट कार्ड आप लोगों को प्रोवाइड करता है उस डेबिट कार्ड से आप जितने बार चाहें उतने विड्रावल कर सकते हैं, और जितना मर्जी चाहे उतने कैश विड्रावल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस अकाउंट्स में जितना मर्जी चाहे उतना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, इसके अलावा विड्रावल कर सकते हैं। आप लोगों को 1 रुपीस चार्जेस नहीं देना होगा। अब इसके अलावा दोस्तों इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जो भी डेबिट कार्ड आप लोगों को मिलता है उस डेबिट कार्ड से आप फ्लिपकार्ट पर कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एवरी टाइम 10% का कैशबैक प्रोवाइड करता है एक्सिस बैंक। इसके अलावा दोस्तों जब आपका डेबिट कार्ड एक्टिव हो जाता है, डेबिट कार्ड के एक्टिव होने के बाद में विथ इन 30 डेज अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोग को 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर प्रोवाइड करता है एक्सिस बैंक। इसके अलावा दोस्तों इस डेबिट कार्ड से आप कहीं पर भी शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन तो आप लोग को 1% का कैशबैक मिलता है। यहाँ पर 1% का कैशबैक ऑफर करता है एक्सिस बैंक। इसके अलावा दोस्तों इस अकाउंट्स पर आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है एक्सिस बैंक। इसके साथ साथ दोस्तों एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए तक का ऑफर करता है एक्सिस बैंक। अब दोस्तों आप लोगों का एक सवाल होगा कि आप बोल रहे हो कि यहाँ पर NEFT, RTGS, IMPS बिल्कुल फ्री है, मिनिमम बैलेंस चार्जेस भी नहीं है, SMS अलर्ट चार्जेस भी नहीं है, चेकबुक जितना मर्जी चाहे उतना यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड पर भी कोई चार्जेस नहीं है, तो आखिर बैंक का क्या फायदा है। तो देखो यहाँ पर अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप लोगों को 150 रुपए मंथली चार्जेस देना होगा एक्सिस बैंक को, जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। दोस्तों हर एनुअली यानी कि पर ईयर में आप लोगों को 1650 रुपए चार्जेस देना होगा। दोस्तों अगर आप इस अमाउंट को देते हैं तो ही आप इस अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों तो यही एक्सिस बैंक का फायदा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जेन्युइनली कि इस अकाउंट्स को ओपन करना चाहिए या फिर नहीं ओपन करना चाहिए, तो दोस्तों मैं यहां पर आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर आपका ट्रांजेक्शन बहुत ही ज्यादा है यानी कि हद से ज्यादा है और आप शॉपिंग भी अच्छा खासा करते हैं
तब ऐसे केसेस में आप इस अकाउंट्स को चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस अकाउंट्स को चूज मत करिए दोस्तों, क्योंकि 1650 रुपए मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा चार्जेस है दोस्तों। अगर आप छोटे मोटे व्यक्ति हो, यानी कि आपकी कमाई जो है वो बहुत ही लो है, तो आप लोगों के लिए ये अकाउंट बहुत ही महंगी साबित हो सकती है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आप ज्यादा कमाते नहीं है तो आप इस अकाउंट को ओपन करवाएं। इसके अलावा दोस्तों, इस डेबिट कार्ड से अगर आप 1 ईयर में 1,00,000 रुपए तक स्पेंड कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में एक्सिस बैंक आप लोगों को 2,000 रिवार्ड पॉइंट, EDGE रिवार्ड पॉइंट प्रोवाइड करता है दोस्तों, जिसको आप शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था एक्सिस बैंक का इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट्स। आशा करता हूं कि आप लोगों के मन में जो भी इस सेविंग्स अकाउंट्स को लेकर के कंफ्यूजन था वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंक को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।